कनाडा और भारत के बीच विवाद की जड़ का नाम है हरदीप सिंह निज्जर। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर ये शख्स कौन था जिस पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खुद सदन में खड़े होकर उसकी मौत पर आंसू का दरिया बहा रहे थे, उसकी हत्या पर आक्रोशित हो रहे थे और भारत पर झूठा बदनुमा दाग लगा रहे थे। चलिए आपको बताते हैं उसकी कुंडली है क्या। हरदीप सिंह निज्जर एक छटा हुआ घोषित खालिस्तानी आतंकी था जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वो कुख्यात आतंकी संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी KTF का सरगना था। वो भारत सरकार की टॉप 40 आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। NIA ने 2022 में निज्जर को भगोड़ा घोषित किया था। आतंकी निज्जर जो KTF का सरगना था, उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI आज तक समर्थन कर रही है। जालंधर के हरसिंहपुर का रहने वाला हरदीप सिंह निज्जर 1992 से कनाडा में रह रहा था। 45 साल का निज्जर कनाडा में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचता था। 18 जून 2023 को कनाडा में ही निज्जर की हत्या कर दी गई थी। बता दें कि निज्जर कोई पहला आतंकी नहीं है जिसे कनाडा पाल रहा है। कनाडा में कितने मोस्ट वांटेड आतंकी रहते हैं ये भी जान लीजिए। सिख फॉर जस्टिस चलाने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू भी कनाडा में खुलेआम घूम रहा है। आतंकी तलविंदर सिंह परमार को कनाडा पालता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस के 7 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कनाडा में ही छिपे हुए हैं, जिसमें लखबीर सिंह उर्फ लांडा, गोल्डी बराड़, रिंकू रंधावा, अर्श डाला, रमनदीप सिंह, गुरपिंदर सिंह और सुखदुल सिंह उर्फ सुखा शामिल हैं। कनाडा मानो खालिस्तानी आतंकियों का अभेद किला बन गया है, जो नए पाकिस्तान के नाम से कुख्यात होने लगा है। कई दफे हिंदुस्तान की ओर से खालिस्तानियों को लेकर कनाडा सरकार को आगाह किया गया है। 2010 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भी उन्होंने कनाडा के सामने ये मुद्दा उठाया था। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खालिस्तानियों की गतिविधियों का मुद्दा उठाया था। दरअसल भारत ने कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत रोक दी है। जानकारों की माने तो नौदौर की बातचीत के बाद इस पर विराम लगाने से ट्रूडो परेशान है। भारत और कनाडा के रिश्ते काफी पुराने और गहरे रहे हैं, लेकिन जिस तरह कनाडा की सरकार खुलकर खालिस्तानी आतंकी की पैरोकारी कर रही है, कनाडा के प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो कनाडा के पाकिस्तान में परिवर्तित होने का संकेत है।